बी एड एंट्रेंस टैसट का रिजल्ट आ चुका है तो अगले दिनों विच की होना है। कई कैंडीडेट ये पूछ रहे हैं कि अगले दिनों विच साडा रोल की होएगा, यूनिवर्सिटी ने की करना है, असी कॉलेज किस तरह जाना है, सानू किस तरह पता लगेगा कि ये कॉलेज मिल गया है, कॉलेज जाके असी की करना है। सो मेन फॉर्मल सब्जेक्ट स्टैप्स जिहड़े ने ऑलरेडी एक वीडियो विच डिस्कस किए हुए ने कि जिवें ए है 20 तरीक सॉरी फस्ट काउंसलिंग जिहड़ी है ये शुरू हो रही है अज तो चॉइस तुसी हुण फिल करनी है मेजर सब्जेक्ट कॉम्बीनेशन की कॉलेजिज़ की उहदे विच 10 ऑप्शन होणगीआं। इस ते डिफरेंट वीडियो तैयार कर दिंदे हां कि किस तरह तुसी सब्जेक्ट चॉइस फिल करनी है, उहना किहड़ियां गल्लां दा ध्यान रखना है, इस ते मैं बार बार वीडियो पा चुका हाँ, सब तो ज़्यादा जरूरी वह है। सो चॉइस तुसी फिल करनी है। हुण तुसी मन लो कॉलेज एक चूज़ किया है, एक कॉलेज हो गया चूज़ इत्थे, एक कॉलेज हो गया नंबर वन और ये सब्जेक्ट तुहाडा हो गया, फॉर एग्जाम्पल तुसी साइंस चूज़ की है कॉलेज नंबर वन, और दूसरा कॉलेज है तुसी, ये हो सकता है कि दूसरा कॉलेज फिल करके साइंस लो, जे साइंस ही छड़ना नहीं है मतलब इत्थे रिजिड रहो ये बेहतर है, ये प्रेफरेंस रखना। ये हो सकता है सेम कॉलेज फिल के तुसी इत्थे फिजिकल साइंस ले ली है, हुण तुसी माड़े सब्जेक्ट वाल चले गए हो, कोई भी है तुहाडा एग्जाम्पल दे रहा हाँ, लेकिन तुसी कॉलेज नहीं चेंज कर रहे, इत्थे कॉलेज चेंज हो रहा, तीजा कॉलेज उत्थे भी साइंस फिल की है, चौथा कॉलेज उत्थे भी साइंस फिल की है ना, तुहाडे स्कोर मान लो 114 स्कोर है वट एवर। सो इस दे मुताबक ये मेजर सब्जेक्ट फिल किया है, जे तुहाडी रैंक हाई है फॉर एग्जाम्पल 114 अच्छा है, इन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज फिल किया, हालांकि ये गल वक्री है, पहला तो देख लेना चाहिए है। हुने एक कैंडीडेट का फोन आया सी, साइंस ते फिजिकल साइंस लाइफ साइंस लेना चाहते सी, लेकिन मैं क्या गवर्नमेंट कॉलेज की मैट्रिसिस देखो जिथे लेना चाहते हो उत्थे अवेलेबल ही नहीं है, ये माइनर सब्जेक्ट ही नहीं है, इसलिए माइनर सब्जेक्ट पहला देख लो ये फिल करन तो पहला। मान लो ये फिल कर दिता, ये तुहाडा हो गया साइंस, तुहानू ऑप्ट हो गया, ये तुसी प्रेफर कर लिया, मान लो 114 सी तुहानू ये कॉलेज अलॉट हो गया, कॉलेज अलॉट बाद विच होना है, उस तो पहला ये तो इसकी फिल कर दिता, अपना काम कर दिता, डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल मैरिट लिस्ट जिहड़ी बनेगी वो डिस्प्ले हो जाएगी, जिस विच तुहाडा रैंक होएगा, जे कोई डिस्क्रिपेंसी है तुसी मेल करोगे इस ते PB BEd एडमिशन 2023@gndu.ac.in ते मेल करोगे कि मेरे स्कोर गलत फिल हो गए, मेरा नाम गलत फिल हो गया, मेरा रूरल एरिया का सर्टिफिकेट नहीं बन सकिया, काइंडली मैनू रूरल एरिया चो कढ दिता जावे, मेरे ग्रेजुएशन दे मार्क्स क्योंकि इंपॉर्टेंट है रोंग फिल हो गए, मेरे पोस्ट ग्रेजुएशन दे रोंग फिल हो गए, मेरा जो डोमिसाइल या मेरी कैटेगरी रोंग फिल, ये सारे इंपॉर्टेंट ने। इस तरह की गलती होंगी है तुसी ईमेल ते दसोगे 20 ते 21 दे विच, ए मीन वाइल यूनिवर्सिटी तुहाडियां प्रेफरेंस नू अरेंज विच कर रही है, अरेंज विच करन तद तक नहीं हो सकता जब तक ये डिस्क्रिपेंसिज जिहड़ी गलत इन्फॉर्मेशन है सही ना हो जाए, सही होने तो बाद डिस्प्ले फाइनल मैरिट लिस्ट हो जाएगी, तुहाडे फाइनल रैंक वगैरह सब कुछ डिस्प्ले हो जाएगा। मैरिट लिस्ट वो किस तरह होगी दिखा दिना हाँ, इत्थे ए रही फाइनल मैरिट, पिछले साल दी है मैरिट लिस्ट, ओके ये है आ देखो, फर्स्ट एप्लीकेशन आईडी, कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, रेजिडेंस है, जनरल कैटेगरी है मतलब कैटेगरी जो भी है, जेंडर जिमें फीमेल, ए 127 रैंक 27 स्कोर लिया है, जिदा इस बार 124 स्कोर लिया है, रूरल का क्लेम नहीं है, 127 टोटल बनते हैं, ग्रेजुएशन की परसेंटेज किन्नी है, तो ये डेट ऑफ बर्थ है, ये थोड़ी मैरिट इस तरह इस दिन डिस्प्ले हो जाएगी। वापस चलते हैं, ये डिस्प्ले होने तो बाद तुसी फाइनल मैरिट ऑनलाइन एलोकेशन ऑफ सीट्स, हुण तुहानू तुहाडे रोल नंबर दे रैंक दे मुताबक सॉरी तुहानू जिहड़ा कॉलेज तुहाडा रैंक च बनता होएगा वह अलॉट किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जिवें पिछे असी भर के आए सी, मान लो इत्थे लड़की ने भरिया सी गवर्नमेंट कॉलेज जलंधर है ना, मान लो गवर्नमेंट कॉलेज जलंधर, मान लो इन्हों का रैंक अच्छा सी, अगे सी इन्हां नू अलॉट हो गया, फिर इन्हां नू एक तुहाडा फस्ट मेन स्टैप है प्योरली प्रोविजनल ऑन द बेसिस ऑफ मैरिट एंड चॉइस। देखो एक तो मैरिट जिन्हें तुसी स्कोर लाए हैं, दूसरा है कि जिहड़ी तुसी चॉइस फिल की है, अच्छे स्कोर लैके जे चॉइस रोंग फिल कर ली तो कोई कुछ नहीं कहेगा, यूनिवर्सिटी ने तुहाडे अकॉर्डिंगली करना है, 23 तरीक नू ये रिजल्ट आ जाना है। रिपोर्टिंग एट एलोकेटेड कॉलेज, हुण तुहाडा काम की है कि तुहाडी स्लिप आ गई,
कई विद्यार्थी पूछते हैं कि काउंसलिंग के दौरान असी यूनिवर्सिटी विजिट करना है नहीं करना है, तो ये जो स्लिप आएगी जिस ते एलोकेशन ए वाली स्लिप है जिस ते तुहानू कॉलेज ते सब्जेक्ट अलॉट किया जाएगा वो तुहानू इस तरह जिस तरह रिजल्ट कढ़िया है अपना आई डी ते पासवर्ड फिल करके इस तरह ही वो मिल जाएगा। ठीक, सो ऑनलाइन ये शब्द जो लिखा है इसका मतलब है कि तुसी यूनिवर्सिटी नहीं जाओगे। स्लिप ते दो चीज़ां लिखियां होणगियां, तुहाडा आई डी है, रोल नंबर है, फोटो होएगी और उस तो बाद जिहड़ा एलोकेट कॉलेज है उहदा नाम लिखिया होएगा, एड्रैस लिखिया होएगा और तुहाडा मेजर सबजैक्ट लिखिया होएगा। ओके, तुसी ए स्लिप लैके ते बाकी वेरीफिकेशन लई डॉक्यूमेंट चाहिए ने, अलग तो वीडियो पा दांगा, वो लैके कॉलेज पहुँचते हो। कॉलेज पहुँच के सब तो पहला उन्होंने कहना तुहानू एलोकेशन स्लिप है वो दिखा दो, वो देखते हैं कि कॉलेज ने मेजर सब्जेक्ट ए साडे कॉलेज है, यस साडा कॉलेज है, एंट्री हो गई। मेजर सब्जेक्ट केड़ा है, साइंस है। हुण उन्होंने देखना है तुहाडे डॉक्यूमेंट के ग्रैजुएशन बी ए विच जां बी एस सी विच है ना, जे साइंस जो भी है डिग्री ग्रैजुएशन विच तुसी एलीजिबल हो, पोस्ट ग्रैजुएशन मुताबक एलीजिबल हो। सब तो पहला तुहाडी एलीजिबिलिटी चैक की जाएगी। एलीजिबिलिटी जो तुसी फॉर्म विच भरिया सी कि मैं मेरी कैटेगरी एस सी है, बी सी है, ओ बी सी है, फिजिकली हैंडीकैप्ड है, वह चैक किया जाएगा। इंपॉर्टेंट और डॉक्यूमेंट सारे वेरीफाई होने हैं कि जो तुसी फॉर्म फिल किया सी वो ट्रू है। जो ट्रू वेरीफाई हुंदा है तो फिर तुसी उस उन्हें कॉलेज वालियां नू इंट्रैक्शन करते हो अपनी सैटिस्फैक्शन लई। उहदे लई तुसी फी स्ट्रक्चर पुछ सकते हो, फी स्ट्रक्चर लई डिफरेंट वीडियो है, वो वाले सवाल सारे पूछे जा सकते हैं, लंबा वीडियो होएगा, सारे तरह के खर्चे उहदे विच दसे गए ने। तुसी तुहाडे कई डाउट ने कि मेरे लिए बेस्ट जिहड़ा है माइनर सबजैक्ट मैनू मिल जाएगा, ये लैना चाहिए, वो लैना चाहिए, लेकिन अपनी नॉलेज जॉब के मुताबिक ही उसनू फाइनल करना है। उत्थे तुसी पहुँच के ये तुहानू मिलने ने, सॉरी जिहड़े डेट दित्ती है ना ये इत्थे लिखिया भी है, जिस दिन तुहानू रिजल्ट मिल गया है रिपोर्टिंग एट कॉलेज द एलीजिबिलिटी ऑफ कैंडीडेट विल बी इंश्योर्ड बाय द रिस्पैक्टिव इंस्टीट्यूट। 24 तरीक तो 26 तरीक, 3 दिन मिलते ने, 24 तरीक तो 26 तरीक तक तुसी उस कॉलेज जाना है, फिजिकली विजिट करना है। ए तुसी हो गए, ए तुसी विजिट करता 26 तरीक सैटरडे, टाइम नहीं लिखिया, नॉर्मली 3 बजे तक हुंदा है, 3 बजे तक टाइम हुंदा है। ठीक, फोन कर दो, फोन भी तुहाडे को होणगे, तुहाडे फोन उन्हां को होणगे, तुहानू उन्हां दा फोन भी आएगा। ये 26 तरीक तक, तो 26 तरीक तक तुसी रिपोर्ट करते हो, 26 तरीक तक ना जाओ, उस तो पहला जाओ, कॉलेज जाने का कोई हर्ज नहीं है। उस तो बाद वेरीफिकेशन होगी, वेरीफिकेशन तो बाद डाउट क्लीयर हो गए, डाउट क्लीयर करन तो बाद तुहानू प्रोस्पेक्टस खरीदन नहीं कहणगे, प्रोस्पेक्टस खरीद लिया 500 दा, 1000 दा, जिन्ने दा भी 200 दा किन्ना भी है। प्रोस्पेक्टस खरीदन तो बाद वेरीफिकेशन होने तो बाद तसली होने तो बाद जो तुसी फीस जब डिपॉजिट करा देंगे हो, पूरी फीस जमा ना कराओ, उसकी इंस्टालमेंट कराओ। फॉर एग्जाम्पल जो 25,000 किसी कॉलेज की फीस सेमिस्टर की है तो तुसी 10,000 या 15,000 या 13,000 ही कराओ, ये इंस्टालमेंट हो सकती हैं, ये अलाउड है। जे तुहाडी सैटिस्फैक्शन नहीं है तो शिफ्टिंग भी हो सकती है, वो अगले वीडियो च एक वीडियो च दस भी दिता है। सो जो तुसी फीस जमा करा देंगे हो तो उस वक्त तुहाडी जिहड़ी है सीट उत्थे कन्फर्म हो गई मन्नी जाती है और ये जिहड़ी फीस जो डिपॉजिट हो गई तुहाडी इन्फॉर्मेशन दे दित्ती जानी है कि फलाना फलाना रोल नंबर है, नाम है, ये एलोकेशन हुई सी ते ए बच्चे ने रिपोर्ट कर दिता है, इसकी एडमिशन हो चुकी है, ये रिपोर्ट उस कॉलेज ने करना है। जेकर तुसी ये रिपोर्ट नहीं करते फिर नैचुरली है कि तुहानू सैकेंड काउंसलिंग विच फिर तो जाना पएगा, तुहानू फिर तो चॉइस फिलिंग भरनी पएगी, वो गल्लां आपां बाद विच कर लांगे, नेड़े जाके कर लांगे। मीनवाइल कई बार अजिहे डॉक्यूमेंट हुंदे ने जिस तरह गैप सर्टिफिकेट है जां माइग्रेशन सर्टिफिकेट है, इहदे लई यूनिवर्सिटी टाइम दिंदी है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट नूं ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझो क्योंकि माइग्रेशन लई लिमिटेड टाइम यूनिवर्सिटी दिंदी है, हालांकि काफ़ी टाइम हुंदा है पर माइग्रेशन आउंदे आउंदे कई बार महीना 15 दिन लग जाते हैं, उहदा फाइन यूनिवर्सिटी पाती है। गैप सर्टिफिकेट 200-300 रुपए च कचहरियों चो आम करके बन जाता है। तुसी कॉलेज बारे पूरी तसली करनी है, उहदे कल्चर वाले, यूनिफॉर्म, फाइन, वो मैं फीस वाली वीडियो च सारा कुछ तुहानू दस देवांगा।
की तसली करनी जां की डाउट ने तुहाडे। सो इस तरह जे तां तुसीं फीस पे कर दित्ती है, तुहाडी एडमिशन उस कॉलेज विच हो गई है, हुण तुसीं बी एड विच शामिल हो, पी एस टैट सी टैट की तैयारी उस दिन तो तुसीं शुरू कर सकते हो क्योंकि एलीजिबल हो गए हाँ। जेकर तुसीं रिपोर्ट नहीं करते तां तुसीं नैक्सट लई सैकेंड काउंसलिंग जाओगे, जेकर रिपोर्ट कर दित्ती है शिफ्ट करना चाहते हो फिर भी सैकेंड काउंसलिंग विच जाओगे। सो इन्हां दिनां विच तुसीं ये मेन गल्लां दा ध्यान रखना है, अवेयर रहना है, अपनी स्लिप देखनी है, कॉलेज नू रिपोर्ट टाइम सिर करना है, जे ना भी करनी है जाके तसली करके फिर ना करो। कॉलेज विच टीचर कई तरह दीयां गल्लां करनगे, नैचुरली है कि साडी एडमिशन क्योंकि खाली सीटां रह जांदियां हन, 5-10% रह गईयां, सो तुसीं हाँ हाँ करनी है, घर आके विचार कर लेना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, रिश्ता खराब नहीं करीदा, गल दस के आई दी है, विचार करन ले टाइम लिया जा सकता है कि मैं गल करके विचार करके घरद्या नाल गल करके मेरी आ प्रॉब्लम है मैं दसांगी, ठीक। सो कई कॉलेजों में थोड़ी बहुत स्कॉलरशिप भी मिल जाती है, कुछ इस तरह का भी हुंदा है, वो मैं फीस वाली वीडियो में सारा तुहाडे नाल डिस्कस कर लाँगा। थैंक यू डॉक्टर धीरज सिंह।